नमस्कार आप सभी को। लगभग लोकसभा के सभी सीटों का फैसला आ चुका है। वैसे तो ये शैक्षिक प्लेटफॉर्म है, मुझे इन विषयों से थोड़ा कतराना चाहिए, लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगा ये सरकारें हमारे हमसे जुड़ी हुई सभी पहलुओं को कहीं ना कहीं तय करती हैं, चाहे हमारा शिक्षा विभाग हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, हमारा रक्षा मंत्रालय हो, ये तमाम चीज है। तो जरूरी है कि हम सभी युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इस पर बात ही जरूर करना चाहिए। बस मैं बात करने की बात कर रहा हूं, बाकी जो चीजें होती हैं उससे आपको दूर हटना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये तय करना है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको अपना प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हो, जल्दी से कमेंट करो और साथ में अपना पूरा एक जो एनालिसिस है वो भी आप बताना कि किस लिए आप देख रहे हो उनको, ठीक है। और दूसरी आपको एक चीज इसमें वीडियो में कमेंट करनी है कि आप किस स्टेट से आते हो और आप वहां पे आपके यहाँ किस पार्टी की फाइनली जो है मेंबर्स जीते हैं। तो ये दो चीजें आप जरूर कमेंट करिए। हम चाहेंगे कि ये कमेंट बॉक्स इस तरीके से भर जाए, इतने मानसिक चेतना के लोग इसमें अपना कमेंट करें कि पढ़ने में बड़ा मजा है और कहीं ना कहीं हमारा मानस पटल खुले और हम कुछ अलग चीज जान पाए कि हाँ 2024 का ये जो चुनाव है, जो इसका परिणाम है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो प्लीज जल्दी से कमेंट करिए, मुस्कुराते रहिए और जितने भी प्रतिनिधि थे किसी भी पार्टी से थे, जो लोग विजयी हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जो लोग हार गए किसी कारण से वो अपनी कमियों को पहचाने और 5 साल बाद फिर से ट्राई करें। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं।